एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सुबह के 9 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं शिवगंगे हिल ट्रैक के लिए, जो कि बैंगलोर से तकरीबन 65 किलोमीटर है। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी पार्किंग का कुछ इस तरह से एरिया दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको जो ठीक सामने ये सुंदर सा गेट दिख रहा है, यहीं से हम एंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग शिवगंगे हिल टॉप तक ट्रैक नहीं कर सकते हैं, वो इस पॉइंट तक आकर जो है एक अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। रास्ते में कुछ इस तरह से आपको जूस के स्टॉल भी मिलेंगे, जहाँ से आप कुछ एक स्नैक्स भी बाय कर सकते हो। तो गाइज़, आप यहाँ पर शिव पार्वती जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देख सकते हैं।
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो समझिए आपने आधे से ज़्यादा ट्रैकिंग जो है पूरी कर ली है। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं तो यहाँ तक का रास्ता जो है एकदम सेफ है, बट इसके आगे का रास्ता बहुत ही टफ़ और स्टीप है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इस रास्ते से होकर जो है फाइनल हिल टॉप तक हमें पहुँचना है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही टफ और स्टीप रास्ता है। तो फाइनली हम शिवगंगे हिल टॉप पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप सीढ़ियाँ चढ़कर जो है उनके दर्शन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से आपको कुछ इस तरह का बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। Thank you.
तो गाइज़ अगर आपको यहाँ आने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ पर ट्रिप ज़रूर प्लान करें। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।